प्यारे बच्चों, मेरा नाम प्रवीण गहलोत है और आनंद इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, जो सबसे पहला हमारा वीडियो बना उसमें हमने देखा था कि मुहावरे और लोकोक्ति में क्या अंतर है, क्या समानताएं हैं। उसको देखने के बाद जो हमारा सेकेंड वीडियो बन रहा है उसमें देखेंगे लोकोक्तियाँ, किस प्रकार लोकोक्तियों को समझ सकते हैं, उनका वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। तो 10 लोकोक्तियों के माध्यम से हम समझते हैं कि किस प्रकार हमें वाक्य में प्रयोग करना है और परीक्षा में किस प्रकार समझना है और उसको लिखना है। तो चलिए आरंभ करते हैं लोकोक्तियाँ। कुछ चुनिंदा जो लोकोक्ति है, 10 लोकोक्ति मैंने यहाँ ली है, सिर्फ समझने के अनुसार होता क्या है कि अमूमन इन्हीं में से एग्जाम में पूछी जाती है लोकोक्तियाँ। और लोकोक्ति को याद करने का तरीका भी बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं करना है। एक बार इनको आप रट लेंगे और जैसे ही दैनिक जीवन में इसका प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, बढ़िया से याद भी हो जाएगी और हमारा काम भी निकल जाएगा। बहुत बार क्या होता है, किसी को बात बोलनी होती है, सीधा तो बोल नहीं सकते अपन, तो क्या करते हैं, लोकोक्ति का प्रयोग करके आप उसको हंसा भी सकते हैं या उसकी मजाक भी उड़ा सकते हैं। नहीं तो कपड़ा मुश्किल हो जाता है, सीधा सीधा तो बोल नहीं सकते। तो 10 लोकोक्ति आप देखते हैं। सबसे पहली है, अंधों में काना राजा। नेक्स्ट, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अधजल गगरी छलकत जाए। ऊंची दुकान फीका पकवान। एक पंथ दो काज। कहां राजा भोज कहां गंगू तेली। चिराग तले अंधेरा। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। इसका मैंने प्रयोग आगे की वीडियो में भी बहुत बार किया है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा। और कोयल होई न उजली सो मन साबुन लाई। अब देखिए इन लोकोक्ति को समझते हैं। ध्यान देना बच्चों, किस प्रकार हम सामने वाले को कुछ बात बोल सकते हैं, सामने वाला समझेगा भी नहीं और हमारा काम भी हो जाएगा। कैसे, देखिए। सबसे पहला है, अंधों में काना राजा। आपने सुना होगा बहुत से लोग बोलते हैं कि अरे कोई बात नहीं, अंधों में काना राजा ऐसे। मतलब क्या, जैसे कि मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, अगर देख लीजिए एक बार, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, सारे मूर्ख ही मूर्ख बैठे हुए हैं। अब मान लो उसमें अगर कुछ बहुत कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, चाहे पांचवी पास है या आठवीं पास है, तो वो क्या है, उनके लिए राजा है। उनको लगेगा नहीं सर, हमारे मजिस्ट्रेट साहब है, क्या हमारे मजिस्ट्रेट साहब। तो अंधों में काना राजा, लोग बोलते हैं ना कि काना मामा ही चलेगा, साबुत नहीं तो काना मामा चलेगा। भाई क्या, अगर मामा नहीं है तो काना मामा तो चलेगा ना। तो वही बात है, अगर सारे मूर्ख ही मूर्ख इकट्ठे हो रखे हैं, उसके अंदर अगर थोड़ा भी समझदार व्यक्ति जाएगा तो क्या करेगा, अपनी बड़ी बड़ी बातें बताएगा, अरे मैंने ये पढ़ रखा है, मैंने वो पढ़ रखा है। लेकिन क्यों, क्योंकि जो नीचे लोग बैठे उनको तो पता नहीं किसने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। तो ये हो जाएगा हमारे अंधों में काना राजा। अब देखिए, अगर आपको किसी की मजाक उड़ानी है या किसी को कुछ बोलना है तो सीधा तो कैसे बोलोगे कि तू अनपढ़ है, गवार है, अच्छा नहीं लगेगा। आप ऐसे बोल सकते हो, नहीं नहीं भैया, आप तो अंधों में क्या हो, काना राजा हो। आप सामने वाला समझेगा भी नहीं, आपके जो मन की भड़ास है वो क्या होगी, निकल जाएगी, आसान सा है। दूसरा है हमारा, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। देखिए बहुत आसान सी बात है, कोई काम है जो 10 लोग या 15 लोग कर सकते हैं, अगर वो काम एक व्यक्ति को दे देंगे तो क्या होगा, बेचारा मर जाएगा या फिर काम नहीं कर पाएगा। तो देखिए, अकेला आदमी लाचार होता है। अकेला आदमी क्या करेगा, मान लो किसी को बिजनेस शुरू करना है, व्यापार शुरू करना है, उसके लिए संगठन चाहिए, ग्रुप चाहिए, पैसों की भी जरूरत पड़ती है, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। इसलिए कोई भी काम करना है अच्छे से तो क्या करना पड़ेगा हमें, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ये वाला डायलॉग काम में आएगा हमारे। मतलब अकेला इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी काम करने के लिए हमें किसी न किसी आवश्यकता जरूर ही पड़ती है। अगर फिर भी किसी को ऐसा लगता है कि नहीं मैं तो अकेला हूँ साहब, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये उसकी गलत फहमी है, ध्यान रखना है। अब अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता, ये वाला हमारा लोकोक्ति पूरी होगी। तीसरी लोकोक्ति देखते हैं, अधजल गगरी छलकत जाए। ये सबसे आसान है, अगर आपको डेमो चाहिए तो आप देखिए, घर पे जाइए और जो घड़ा है घड़े को आधा भरिए और कंधे पे उठाइए और चलिए रास्ते पे, क्या होगा, पानी छलकेगा और पूरे भीग जाएंगे। उसकी जगह पे अगर पूरा घड़ा भरा हुआ है तो पानी नहीं छलकेगा, आप अनुभव करके देख सकते हैं। तो अधजल गगरी छलकत जाएगा मतलब होगा डिंग हाँकना,
क्या करना, डिंग हाँकना है ना, बहुत सारे जैसे चाय की थड़िया होती है, बहुत लोग बैठे रहते हैं वहां पे या और के इधर उधर बस्टिस में बैठे रहते हैं, जिनको काम तो है नहीं उनके पास में, वो क्या करते हैं अपनी डिंग हाँकते हैं। उनको पास में होते थे 5 रुपए, बात करेंगे 5 लाख की या 5 करोड़ की, तो डिंग हाँकते हैं, कुछ आने जाने वाला कुछ भी नहीं है। मान लो किसी को बहुत छोटा सा ज्ञान है, ज्यादा नॉलेज उसको नहीं है, और जाके बड़ी बड़ी डिंग हाँका अपनी, अरे साहब मैंने वहां पढ़ाई की है, मैंने तो ये किया है, उससे को मतलब नहीं है, तो ये हो जाएगा अध जल गगरी चल कर जाएगा। थोड़ा कम ज्ञान है या कम उसको, उसकी यश कम है, उसका सम्मान भी कम है, तो आगे जाके बड़ा चढ़ा के बताता, उससे को फर्क नहीं पड़ता, उसी को बोलते डिंग हाँकना। ये तो आपने देख भी रखा होगा, डिंग हाँकना किसे कहते हैं, तो किसे कहेंगे अपन, अध जल गगरी चलकत जाए, आप ये डायलॉग बोल सकते हैं। ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊंची दुकान फीका पकवान, नाम तो बहुत बड़ा चढ़ा के होता है उसका, लेकिन काम कुछ भी नहीं होता। जैसे मान लो कि कोई दुकान है, मिठाई की दुकान है, अपन बात करते हैं, मान लो बहुत उसका नाम है, बहुत यश प्राप्त कर रखा है, अब मान लो मिठाई अच्छी नहीं मिलती वहां पे, तो क्या होगा, अपन डायलॉग बोल सकते हैं जाकर के उस दुकानदार को, अरे भैया आपकी तो ऊंची दुकान है लेकिन फीका पकवान है। कैसे, देखिए केवल बाह्य प्रदर्शन, बाहर का प्रदर्शन होता है केवल, ठीक है। जैसे मान लो अपन अपनी बात करें, कोई व्यक्ति जो बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है लेकिन सामने वाले को समझा नहीं पा रहा है या सामने उसकी बात को समझ नहीं पा रहा है, तो वो ये बात इसी में आएगा ये भी कि ऊंची दुकान फीका पकवान। मान लो किसी कोचिंग चल रही है, बड़े बड़े स्कूल चल रहे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे यही होता है, अगर आप बढ़िया से अपना प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हो तो लोग बोलेंगे आकर के कि साहब ऊंची दुकान फीका पकवान, कुछ वहां पे तो ऐसा बढ़िया सा है भी नहीं। अब उससे आगे चलते हैं, एक पन दो काज, एक पन दो काज का मतलब आज रोज इसको यूज में लेते हैं, रोज इसका काम पड़ता कभी ना कभी। कैसे, देखिए एक काम से दूसरा काम हो जाना। अगर छोटी सी बात करें अपन, मान लो आपको दूध की ठेली लानी दुकान से, अगर मान लो आपका पड़ोसी कुछ काम करने किसी उसी काम के लिए जा रहा अगर, तो आप क्या करोगे, पैसे दे दोगे उसको, क्या होगा, एक पन दो काज हो जाएंगे, उसका भी काम हो जाएगा आपका भी काम हो जाएगा। बहुत छोटे से उदाहरण है, आप बहुत ध्यान रख सकते हो उसके अंदर। तो एक पन दो काज, मान लो आप कुछ काम कर रहे हो, हाँ जैसे कि जेरोक्स की बात करते हैं, है ना, जैसे पेपर आता है उसको नीचे रखते हैं, उसके ऊपर अपन लिखते हैं, तो ऊपर भी छपता है और नीचे भी छपता है, दोनों काम साथ साथ में हो सकते हैं, तो आप क्या बोलेंगे वहां पे, एक पंथ दो काज। अब आगे, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ये अमीरों और गरीबों के बीच बहुत देखने को मिलता है। पहल पहल तो क्या होता है, दोनों की दोस्ती होती है, बातें करते हैं, लेकिन जब पता चलता है कि साहब सामने की हालत तो बड़ी खराब है, तो जो बड़ा व्यक्ति है, जो अमीर व्यक्ति हो, क्या बोलेगा, अरे कहाँ राजा भोज, मतलब मैं तो क्या हूँ, राजा हूँ, और तू क्या गंगू तेली, तेरे पास तो कुछ भी नहीं है। इसलिए लोग बोलते हैं कि बड़े व्यक्ति में और छोटे व्यक्ति में दोस्ती बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि वो तो खर्चा भी कर लेगा, बड़ी बड़ी काम भी कर लेगा, आप क्या करोगे, आपसे देखोगे, ऐसा ज़्यादातर चलता नहीं है। तो बड़ों में और छोटे में दोस्ती बड़ी कम होती है, आप देखने को अधिकतर में समाज में मिलता है। तो हो जाएगा उच्च और साधारण की तुलना कैसे, कोई व्यक्ति बहुत उच्च है कोई बहुत साधारण है, तो दोनों तुलना नहीं हो सकती, कि दोनों को विचार नहीं मिलेंगे। अगर आसान भाषा में अपन बोले, मान लो कोई बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है, कोई बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, तो दोनों बहस होती रहेगी, क्योंकि दोनों बहस क्यों होती रहेगी, क्योंकि उसके विचार क्या है, काफी हाई है, बहुत ऊपर के सोचता है वो, और वो क्या करता है, बिल्कुल नीचे की सोचता है, वो सकारात्मक सोचेगा ये नकारात्मक सोचेगा, तो दोनों की बिल्कुल नहीं बन पाएगी। अब चिराग तले अंधेरा, जो हम सभी के हैं, आप हो या मैं हूं, सबके चिराग तले क्या है, अंधेरा है। हम हमारी जो कमियां है उसको कभी नहीं देखते। अगर दिया है, अगर दिए को लगाएंगे तो क्या होगा, दिए के ऊपर रोशनी होगी, आसपास पूरा रोशन कर देकर, दिए की जो नीचे की जगह होती है ना, उसमें क्या रहता है, हमेशा अंधेरा रहता है। तो उसका अर्थ क्या निकलेगा, देख लीजिए, अपनी बुराई नहीं दिखती, दिया जलाऊंगे, जो मिट्टी का दिया होता है ना, दीपावली को लगाते अपन, आप उसको लगाना, लगा के देखना, जो रोशनी वो चारों तरफ होगी, लेकिन उस दिए के नीचे बिल्कुल सेंटर में देखना, क्या होगा, अंधेरा होगा। तो व्यक्ति को खुद की कमियां कभी नहीं दिखती, सामने वाले की कमियां हमेशा उसको दिखती है। यही होता हमारे समाज में, हम क्या करते हैं, सामने वाले की सारी कमियां निकाल लेते हैं, लेकिन जो कमियां हमारे अंदर है वो हम कभी नहीं देखते। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, अगर वो आकर के हम हमारी कमी के बारे में बताता है तो हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। किस प्रकार, अगर जोधपुरी भाषा की बात करें या पाली, उस तरफ ऐसी भाषा का ज्यादा प्रयोग होता है, कहीं साहब नाच न जाने तो आंगन टेढ़ो, इसका मतलब क्या, आपको ये काम नहीं आ रहा है,
तो आप क्या बोलेंगे, अरे नहीं नहीं मुझे तो शौक नहीं है। अरे शौक की बात ही नहीं है, आपको काम आता ही नहीं है। उदाहरण के लिए मान लो किसी की विवाह है, कुछ समारोह हो रहा है, कुछ जबरदस्ती उसको लेके जा रहा, नहीं सर आपको नाचना ही पड़ेगा, तो क्या बोलेगा, नहीं नहीं है। आंगन क्या थोड़ा सा टेढ़ा है, थोड़ा ऊपर नीचे आंगन, इसलिए मैं नाच नहीं सकती। जबकि रियलिटी क्या होती है, सच्चाई ये होती है कि सामने वाले को नाचना आता ही नहीं, तो हो जाएगा नाचना जाने आंगन टेढ़ा। क्या अर्थ हो जाएगा उसका, काम ना जानना या बहाने बनाना। अगर आपको बढ़िया से पढ़ाना नहीं आता या बढ़िया से खाना पकाना नहीं आता तो आप क्या बोलोगे, बहाने बनाओगे, सब गैस खत्म हो गई है या सामान हमारे पास में नहीं है, जो भी। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, इसका हो जाएगा मतलब गुण की कदर गुणवानों के बीच ही होती है। अगर मोर है अपने पंख फैला करके किसी बगीचे में या लोगों के सामने नृत्य करेगा तो लोग देखेंगे और उसकी वीडियो उतारेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, अरे यार कितना अच्छा दिख रहा है, कितने अच्छे इसके पंख है। अब मान लो वो अकेला जी जंगल में नाच रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो अगर आपके अंदर कोई प्रतिभा है, आप अच्छी चित्रकला कर सकते हो, अच्छा गाना गा सकते हो, तो अकेले नहीं गाना है, उसको क्या करना है, सबके सामने लाना है, दिखाना है, तब आपके गुणवान लोग क्या करेंगे, कद्र करेंगे। नहीं तो क्या बोलेंगे, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, अकेले गाते रहो, कोई मतलब उसका नहीं है। उसी प्रकार कोयल होए न उजली सो मन साबुत लाई, कोयल को कितना ही स्नान करवा लो, उसे कुछ भी कर लो, वो सफेद होने वाली नहीं है। कितना भी प्रयत्न किया जाए स्वभाव नहीं बदलता। रहीमदास जी कबीरदास जी के जितने श्लोक जितने दोहे सब में उन्होंने बात बता रखी है, जैसे कि जो नल का पानी होता है जितनी गति से ऊपर चढ़ता है उतनी गति नीचे आ जाता है। अपने 9 के अंदर ये पाठ भी था। तो ये विशेषता है कि व्यक्ति की जो आदत है, उसकी जो आदत स्वभाव है उसका, वो कभी नहीं बदलता, वो उसका वैसा का वैसा ही रहता है। ये भी किसके अंदर, लोकोक्ति के अंदर आएगा। इस प्रकार आज हम क्या करें, 10 लोकोक्ति का अध्ययन किया है आपको, उसी प्रकार आगे जितनी भी लोकोक्ति है सारी लोकोक्ति को देखना है, और अगर जो भी अच्छी लगे उनको कॉपी में उतारना भी है, उनको याद भी करते रहना, ताकि आगे क्या होगा आपके बहुत काम आएगी, और जितना हो सकता है आपको रोज दिन की जो बातें होती है उसमें इसका यूज भी करना है। उसी के साथ जो हमने सबसे पहला वीडियो बनाया था मुहावरे और लोकोक्ति, तो लोकोक्ति का जो हमारा पार्ट पूरा हो गया, आगे जो वीडियो बनेगा हमारा वो होगा हमारा मुहावरे को लेकर के। तो मिलते हैं आगे के वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।